अपना भारत का पहला बैगलेस स्कूल 350 स्टूडेंट्स को मिला टैबलेट। अम्बावाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आश्रय संस्था एजुकेशन फ्रंट की ओर से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम पर आधारित अनूठा पायलट प्रोजेक्ट वन टैबलेट वन चाइल्ड के तहत छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक के 350 स्टूडेंट्स और 25 टीचर्स को टैबलेट वितरण किया गया। आश्रय के चेयरमैन सतीश झा ने कहा कि पूरे भारत का आदर्श विद्या मंदिर पहला स्कूल जो डिजिटल बन गया है। अब बच्चों को भारी भरकम बैग उठाने की जरूरत नहीं होगी, टैबलेट से ही अपनी पढ़ाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 3480 बच्चों को फायदा होगा। जी सर, आज 4 अप्रैल 2023 है। मेरे हिसाब से देश की शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आदर्श जो हमारा विद्यालय है जहाँ खड़े हैं, ये देश का पहला ऐसा विद्यालय बन रहा है जहाँ हर बच्चे के पास एक टैबलेट है, हर अध्यापक के पास टैबलेट है। लेकिन टैबलेट सिर्फ टैबलेट नहीं है, उसके साथ जितनी भी इसके लिए एक डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम यानी कि डिजिटल माहौल में जो पढ़ने का ये पूरा ढांचा बनाने की बात है, उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ है। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी छात्र पूरी तरह से उसमें प्रशिक्षित किए गए हैं और उनमें सबसे अच्छी संभावना ये है कि मेरा एक बचपन से इरादा था कि हमारे सब बच्चे अपनी ही सीमाओं के तहत ऐसी अच्छी शिक्षा पा सकें जो विश्व में जो और पाते हैं उनके बराबर हो, मुझसे अच्छी ना हो उनके बराबर तो हो। और मैं आपसे खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, आज सुबह मुझे न्यूयॉर्क से एक ईमेल आया, वहाँ प्रेसिडेंट हैं एक समाज के जो हमारे यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से हम लोग हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन और क्लाउड में, वो जब जो कुछ भी करते हैं उसका एक लेखा जोखा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने हमें बताया कि दो बालिकाएँ इस स्कूल की, उन्होंने न्यूयॉर्क के बच्चों से भी अच्छा किया, उसके लिए हम एक जीनियस से फेलोशिप शुरू करने वाले हैं जून से अलग से। लेकिन संभावना जो ये है कि हमारे बच्चे यहाँ रह के उतना अच्छा पढ़ सकते हैं जितने कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी आज की शिक्षा हमारी कम से कम 5-6 डिग्री पीछे है, उसके बावजूद उन्होंने 3 महीने में पूरा रास्ता तय कर दिया और उनके बराबर आ गए और 2 बच्चे उसके आगे भी निकल गए। ये जो संभावनाएँ हैं, अगर हम देश में इसका ख्याल करें तो हमारा देश एकदम जो संभावना के हिसाब से बनना चाहिए वैसा हो सकता है। आज की तारीख में हम देश को अपनी संभावनाओं से जोड़ते हैं। मेरा मानना है कि हम संभावनाओं से अब वास्तविकता की तरफ होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उपलब्धियों की तरफ देखना चाहिए, हमारी उपलब्धियाँ क्या है। उसके लिए ज़रूरी है कि हर छात्र जो आज पढ़ रहा है उस तरह पढ़े जैसे कि विश्व के सबसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, और उनमें जो हमारी क्षमता वही है जो किसी और की है। हम देख चुके हैं जो हमारे बच्चे निकल जाते हैं बाहर कितना बढ़िया करते हैं, तमाम संस्थाओं की जो CEO बड़े बड़े हैं वो हमारे लिए हैं। लेकिन जो सबकी संभावनाएं हैं तो उनको हम एक माहौल, तो हमने कोशिश की है कि विद्या भारती के जिस सभी 14,000 स्कूलों में ये माहौल बने, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, राजस्थान से हो रही है, शिव प्रसाद जी के साथ हो रही है, प्रदीप शिक्षा जम्मू में हो रही है। यहाँ पर 4 स्कूल जो राजस्थान के हैं उन्हें पहल की है, ये आदर्श विद्या मंदिर हमारा है जो पहला पूरी तरह से डिजिटल स्कूल है हमारे देश में। 75 साल की आज़ादी के बाद 75 साल में ये पहला स्कूल है। ये समझना चाहिए कि हमने कम से कम पैसे में किया है, यही काम जो समृद्ध स्कूल हैं उनकी फीस 28 लाख रुपये होती है, वो काम हमने यहाँ मान लीजिए पहले साल में प्रति व्यक्ति खर्च करीब 40,000 बच्चे को हुआ है, अगले साल सिर्फ 10,000 रुपये होगा। तो पहले साल जो 40,000 है उसकी वजह है कि उसमें टेक्नोलॉजी को स्थापित करने में, टेक्नोलॉजी को लगाने में शुरू बहुत खर्च होता है, अगले साल खर्च कम होगा। लेकिन मेरा जो